नमस्कार, आज हम अपना विषय पढ़ेंगे ऋग्वेद के भाष्यकर्ता। तो हम जानेंगे ऋग्वेद के विषय में, जिसमें बहुत सारे आचार्यों ने भाष्य लिखे हैं। अब जो ऋग्वेद के भाष्यकर्ता हैं वह भारतीय भी हुए हैं, यानी कि भारत के आचार्य भी रहे हैं और साथ ही साथ पाश्चात्य विद्वान भी रहे हैं। पाश्चात्य यानी कि भारत और भारत से बाहर दोनों ही विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपने अपने भाष्य लिखे हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे भारतीय भाष्यकर्ताओं के बारे में, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे पाश्चात्य विद्वानों के बारे में, पाश्चात्य भाष्यकर्ताओं के विषय में, ठीक है। तो जो ऋग्वेद के भाष्यकर्ता हुए, भाष्य का अभिप्राय यह है कि ऋग्वेद को ही और विस्तार पूर्वक लिखना, उसके विषय में और विस्तृत लिखना, उसकी और विस्तृत रचना करना भाष्य कहलाता है, जिसमें स्कंद स्वामी, मध्वाचार्य, आनंद तीर्थ और भी बहुत सारे विद्वान हुए हैं, जिसमें हम अभी पढ़ते हैं स्कंद स्वामी के बारे में। तो देखिए, स्कंद स्वामी जिन्होंने ऋग्वेद में सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का ही प्राप्त होता है, यानी कि इनका सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का प्राप्त होता है। इन्होंने 600 से 625 ईस्वी के मध्य में ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था। इनका जो समय है, जिस समय में इन्होंने भाष्य लिखा, वह है 600 से 625 ईस्वी। इसके पश्चात स्कंद स्वामी का भाष्य ऋग्वेद के प्रथम 5 अष्टक तक प्राप्त होता है। स्कंद स्वामी का जो भाष्य है ऋग्वेद के 5 अष्टक तक प्राप्त होता है। अब 5 अष्टक तक कैसे, हमने ऋग्वेद के 2 गणना पद्धतियों को पढ़ा था, एक था मंडल और एक था अष्टक। अब मंडल में हमने देखा था मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र, और अष्टक में देखा था हमने अष्टक अध्याय, वर्ग, मंत्र। तो हम यहाँ मंडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अष्टक की बात कर रहे हैं। अष्टक में हमारे पास 8 अष्टक थे और यहाँ पर सिर्फ प्रथम 5 अष्टक तक का ही स्कंद स्वामी का भाष्य प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन मिला है हमें। इसके पश्चात हम देखते हैं, ये हमने स्कंद स्वामी के विषय में पढ़ा, अब पढ़ते हैं नारायण तथा उद्गीत। ऐसे विभिन्न हमारे आचार्य हुए हैं भारत की भूमि पर, जिन्होंने ऋग्वेद के भाष्य किए हैं, ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है। नारायण तथा उद्गीत, ये 2 व्यक्ति हैं। नारायण हुए हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मध्य भाग पर भाष्य लिखा है और अंतिम भाग पर उद्गीत ने लिखा है, यानी कि हमारा ऋग्वेद है जिसके मध्य भाग पर नारायण ने लिखा है और अंतिम भाग पर उद्गीत ने लिखा है, और उद्गीत ने प्रत्येक भाष्य के अंत में अपना परिचय दिया है। यहाँ पर नारायण की बात नहीं हो रही है, उद्गीत की बात हो रही है। इन्होंने प्रत्येक भाष्य का जब अंत हुआ है उसमें इन्होंने अपना परिचय दिया है कि वह कौन है, किस कुल के हैं, क्या किस संप्रदाय को मानने वाले हैं इत्यादि, जो प्राचीन समय के विद्वान हुआ करते थे अपने विषय में थोड़ा बहुत ऐसे परिचय दिया करते थे। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी प्रत्येक भाष्य के अंत में अपना परिचय दिया है। फिर आते हैं वेंकट माधव। वेंकट माधव, इनका समय जो है 1050 से 1150 है ईस्वी के मध्य में माना जाता है, यानी कि 1050 से 1150 के बीच का समय है। किसका? वेंकट माधव का।